हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम हेयर विद यू फॉर क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात किया था। आज उसके अगले वाले पोर्शन को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, सर्किट के बारे में जानेंगे, सर्किट डायग्राम्स के बारे में जानेंगे, और बहुत ही जनरल से कॉन्सेप्ट है ये सब चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो आगे जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट तो कह रहा है कि अगर कोई भी दो चार्ज बॉडी है, ठीक है, कोई भी दो चार्ज बॉडी है, जैसे कोई एक बॉडी है ए और एक कोई बॉडी है बी, तो चार्ज बॉडीज है, बोथ आर द चार्ज, इट मींस दे हैव एक्वायर्ड सम चार्जेस। ए और बी दो ऐसी बॉडीज हैं और इनमें जो चार्जेस का फ्लो हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है? ए से बी की तरफ हो रहा है। यानी चार्जेस, जो चार्जेस होते हैं जिनके बारे में कल हम लोगों ने बात किया था कि पॉजिटिव चार्जेस की बात हो रही है, तो अगर ये चार्जेस ए से बी की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो इनको हम कहेंगे कि जो चार्जेस का फ्लो है वो फ्लो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। कह रहा है कि दूसरे शब्दों में अगर बात करें, द चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब ये जो चार्जेस है, तो चार्जेस है तो अगर कोई चार्ज बॉडी है, दोनों के चार्जेस अगर सेम है, अगर दोनों का इक्विलिब्रियम सेम है, बोथ आर मेंटेन द इक्विलिब्रियम, यानी दोनों सेम चार्जेस हैं, तो चार्जेस का फ्लो होना मुश्किल है। लेकिन चार्जेस कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं? कम से ज्यादा की तरफ फ्लो कर रहे हैं। यानी अगर ये यहां से यहां तरफ अगर फ्लो कर रहा है तो चार्जेस तब तक फ्लो करते रहेंगे जब तक कि बी भी, जो उसके भी चार्जेस हैं, वो ए के चार्जेस के बराबर ना हो जाए। इट मीन्स टिल दैट द फ्लोइंग ऑफ चार्जेस विल मेंटेन टिल बोथ हैव मेंटेन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समानता, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों अगर एक बराबर चार्जेस जब तक मेंटेन नहीं करते तब तक ये चार्जेस का फ्लो उनके बीच में होता रहेगा। जैसे हम लोगों ने कंसंट्रेशन वगैरह के बारे में बात किया है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो हमने बात करी कि भाई जब तक हम लोग चीनी मिलाते रहते हैं पानी में तब तक वो चीनी घुलता रहता है, जब तक कि सारा का सारा जो वाटर के बीच में खाली जो स्पेसेस हैं वो भर नहीं जाते तब तक चीनी उसमें डिजॉल्व होता रहता है। वैसे यहां भी है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ किसी कंडक्टर में ये चार्जेस फ्लो करते हैं और ये तब तक होता रहता है जब तक कि चार्जेस दोनों के एक बराबर ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। इट मींस टिल देन दिस प्रोसेस इज गो ऑन व्हेन आर नॉट गोइंग टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसी चीज को लेकर के अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो करंट क्या होता है, कल भी हम लोगों ने बात किया था, द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम, इसको हम लोग कहते हैं करंट। द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसको the rate of flow of charges through a conductor। तो किसी कंडक्टर से अगर चार्जेस अगर लगातार फ्लो कर रहे हैं यूनिट समय में तो उसको हम लोग कहते हैं करेंट। यानी करेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्जेस, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस अपॉन टाइम। करेंट को डिनोट करते हैं आई से, Q को डिनोट करते हैं, चार्जेस को डिनोट करते हैं Q से, और टाइम को डिनोट करते हैं T से। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। हम जानते हैं चार्जेस का जो यूनिट होता है क्या होता है? कूलम्ब होते हैं। टाइम का यूनिट
सेकेंड द अमाउंट ऑफ चार्जेस यानी कूलम्ब में जो चार्जेस हैं वो एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट की अगर बात करते हैं तो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, ये होता है एम्पियर, एम्पियर या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कूलम पर सेकंड भी कह सकते हैं, कूलम पर सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एम्पियर कहलाता है। कल भी मैंने आपको एक दो डेफिनेशंस बताए थे कि वोल्ट का डेफिनेशन क्या होता है, तो वैसे ही यहां पे कई बार एग्जाम्स में पूछा है कि वन एम्पियर को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो वन एम्पियर क्या होगा भाई, जब एक कूलम के चार्जेस एक सेकेंड तक फ्लो करेंगे तो करेंट का अमाउंट कितना होगा, एक एम्पियर होगा। तो वन एम्पियर कब होगा, वन एम्पियर चार्जेस होंगे जब एक कूलम के चार्जेस एक सेकेंड तक फ्लो करेंगे। तो एक सेकेंड तक अगर चार्जेस फ्लो करते हैं एक कूलम के, तो उसको हम लोग एक एम्पियर करेंट कह सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे वेन वन कूलम ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू ए कंडक्टर फॉर वन सेकेंड द इलेक्ट्रिक करेंट इज सेड टू बी ऑफ वन एम्पियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना कहलाएगा, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा वो कहलाएगा हमारा एक एम्पियर का, ठीक। कल हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया था, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या था, वो इंस्ट्रूमेंट था हमारा वोल्ट मीटर। वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं एमीटर, क्या कहते हैं इसको, एमीटर कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं एमीटर। तो एमीटर क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर करंट ऑफ ए सर्किट। किसी सर्किट का अगर करंट हमें मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं एमीटर। तो एमीटर हमारा वो इंस्ट्रूमेंट है जो करंट, जो भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसके अमाउंट को मेजर करता है। अब कल हम लोगों ने देखा था कि आखिर वोल्ट मीटर को कैसे हम लोगों ने जोड़ा था, पैरेलल जोड़ा था और उसकी रेजिस्टेंस हाई थी। यहां पर भी वैसे ही क्वेश्चन पूछता है कि एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो एमीटर को जोड़ने के लिए अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग एमीटर को जोड़ते हैं, ठीक है। तो एमीटर को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ते कैसे हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये लो रेजिस्टेंस होता है। तो लो रेजिस्टेंस होने की वजह से ये सीरीज में, अब यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, तो वो करंट कहां से होकर के जाएगा, इस एमीटर से होकर के जाएगा, और उस करंट का अमाउंट क्योंकि लो रेजिस्टेंस है तो ये ज्यादा से ज्यादा करंट को लेगा। तो करंट लेने से उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट के अमाउंट को हम लोग क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। इसीलिए इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, और इसका रेजिस्टेंस लो है ताकि ये करंट के अमाउंट को ले। कल हम लोगों ने हाई रेजिस्टेंस की बात करी थी, यानी उस पर करंट का अमाउंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, इट टेक ओनली द नेग्लिजिबल अमाउंट। लेकिन यहां पे ये नेग्लिजिबल अमाउंट नहीं लेता है ये, बल्कि सारा का सारा करंट ले लेता है उस सर्किट का, जिससे हमें एग्जैक्ट अमाउंट में ये पता चले कि उस सर्किट के अंदर में कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो ये कैसे जोड़ा जाता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, और इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है एमीटर का, इसका रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होता है ताकि ये करंट ले और हमें एग्जैक्ट अमाउंट में करंट के बारे में पता चले कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एम्पियर हो गया। एमीटर के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि कैसे इसको जोड़ते हैं और कैसे उसको पहचानते हैं।
ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि कैसे किसी सर्किट में हम लोग कंटिन्यूअस करंट के अमाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, तो हर एक सर्किट का अपना कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, हर एक सर्किट का अपना एक फिक्स कंपोनेंट होते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, अभी सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो कह रहे हैं कि हाउ डू वी मेंटेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ करेंट। तो किसी सर्किट में किस तरीके से हम लोग कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ करेंट को मेंटेन कर सकते हैं। हमारे घरों में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ करेंट को रोकने के लिए कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं होती है क्या? हमारे घरों के जो पंखे हैं वो 24 घंटे चलते रहते हैं, लाइट जो है 24 घंटे चलती रहती है? नहीं, उसमें एक स्विच लगा रहता है और हम अपनी आवश्यकता अनुसार लाइट को बंद कर देते हैं, पंखों को बंद कर देते हैं, एयर कंडीशनर बंद कर देते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, अपनी सुविधा अनुसार बंद कर देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सप्लाई ऑफ करंट जो है वो कंटिन्यूअस हो, तो कंटिन्यूअस सप्लाई होने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी भी सोर्स के साथ में डायरेक्टली हमें अपने अप्लायंसेस को जोड़ देना होगा। जैसे ये बैटरी है और इस बैटरी के साथ में हमने क्या कर दिया, एक बल्ब को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। ये एक बल्ब जो है ये हमने डायरेक्टली इसमें कनेक्ट कर दिया। अब ये जो कनेक्ट कर दिया बल्ब को, तो ये बल्ब क्या होगा, ये बल्ब जो है ये ऐसे ही जलता रहेगा। ठीक है, तो बल्ब को जैसे ही हमने कनेक्ट किया वो बल्ब क्या होना, जलने लगा, और वो तब तक जलता रहेगा जब तक कि ये बैटरी पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए, या बल्ब टिल द बल्ब इज गेट फ्यूज्ड। जब तक कि बल्ब फ्यूज ना हो जाए या जब तक कि बैटरी खत्म ना हो जाए ये लगातार जलता रहेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली है। तो व्हेन वी कनेक्ट ए कंडक्टर थ्रू द एंड्स ऑफ ए सोर्स लाइक द बैटरी एंड इट कनेक्ट विद द बल्ब, इट सप्लाई द करेंट कंटिन्यूअसली टू द बल्ब एंड बल्ब इज ग्लो टिल इट गेट फ्यूज्ड और टिल द बैटरी इज गेट ओवर। जब तक कि बैटरी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती या बल्ब फ्यूज नहीं हो जाता तब तक ये करंट की सप्लाई क्या होती रहेगी, इसमें होती रहेगी और लगातार ये करंट जो है इसमें फ्लो करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लगातार करंट के सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा बात है कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जो वास्तविक करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, वो करंट का डायरेक्शन क्या है, वास्तविक जो करंट का डायरेक्शन है। कह रहे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब से बात करनी शुरू की तो वो 18th सेंचुरी की बात थी या 17th सेंचुरी की बात थी, तो उस समय लोगों को पता था कि चार्जेस दो तरीके के हैं, पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस हैं। तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी काम होता है तो बड़े से छोटे की तरफ होता है। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि ये जो करंट फ्लो करते हैं वो कहां से कहां करते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आया कि पॉजिटिव चार्जेस हैं या निगेटिव चार्जेस हैं, उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन बोल करके कोई शब्द नहीं था, प्रोटॉन बोल के किसी को कोई आइडिया नहीं था उसके बारे में। लेकिन वो जानते थे कि चार्जेस दो तरीके के हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो उन्होंने उस समय वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि जो करंट होता है या जो चार्जेस फ्लो करते हैं वो चार्जेस हमेशा कहां से कहां फ्लो करते हैं, चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। वो हमेशा कहां से कहां फ्लो करते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं। तो जब भी वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाते हैं तो वो उनका कन्वेंशनल एक फ्लो होता है, वो क्या होता है, उनका एक कन्वेंशनल डायरेक्शन है जिसको हम लोग सर्किट में भी देखते हैं। यहां पे ये जो बैटरी का जो सर्किट है ये ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव है, नीचे वाला निगेटिव है, और ये करंट कहां से कहां जा रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव और फिर निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रहा है। तो करंट का डायरेक्शन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, जैसा कि ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है।
ठीक है। तो ये जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट का, वो क्या होता है हमारा, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। अब अगर हम बात करें कि हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर, करंट फ्लो इन ए वायर, तो किसी भी वायर में, तो यहां पे हम लोग दो तरीके के वायर्स के बारे में देखेंगे। एक ये हमारे पास में कंडक्टर है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ये सर्किट, एक ये वायर है जिसमें करंट की सप्लाई नहीं हो रही है। ये एक कंडक्टर है हमारा, कोई भी मेटलिक कंडक्टर है जिसमें करंट की सप्लाई नहीं हो रही है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इन अ रैंडम मोशन पोजीशन। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे हो रहा है, रैंडमली हो रहा है। जहां मन करे वहां वो इलेक्ट्रॉन ऐसे वैसे घूम रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टेड बाई समथिंग। वो किसी भी चीज से डायरेक्टेड नहीं हो रहे हैं, उनके उनके फ्लो का कोई एक पैटर्न नहीं है, कोई एक डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे अगर बात करें, अगर इसी कंडक्टर को हमने किसी सोर्स के साथ में जोड़ दिया, अगर इस कंडक्टर को हम क्या करते हैं, किसी सोर्स के साथ में जोड़ देते हैं। ये एक बैटरी हम लोगों ने ले लिया और बैटरी के साथ में इस कंडक्टर को हमने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया इसको। अब इसमें जो हमारा करंट का डायरेक्शन था वो कहां से कहां है, पॉजिटिव टू निगेटिव है। यहां से यहां की तरफ आ रहा है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। अब इसमें जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैव द निगेटिवली चार्ज्ड, सो दे आर स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि इनके पास में निगेटिव चार्जेस होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाने लगेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे। यानी करंट का जो डायरेक्शन होगा, अब यहां पे जब इसमें करंट की सप्लाई नहीं हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है, व्हेन इलेक्ट्रिक पावर, या फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स नॉट गिवेन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन रैंडम डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जब इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स दिया जा रहा है, when electric force applied, then electrons start moving from negative terminal to positive terminal। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास में निगेटिव चार्जेस होते हैं और उनका अट्रैक्शन कहां होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। और जब किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसमें करंट का मूवमेंट होगा। यहां पे हमने करंट के बारे में जाना कि जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू निगेटिव है, लेकिन एक्चुअली में कहानी क्या है, कहानी यह है कि करंट के डायरेक्शन किस बात पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मोशन पे डिपेंड करते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मोशन करता है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। तो एक्चुअल में करंट का डायरेक्शन क्या होता है हमारा, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे बरसों पुराने हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आज तक हम चल रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। लेकिन जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट का, इलेक्ट्रॉन के अगर डायरेक्शन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उस कन्वेंशनल डायरेक्शन के अपोजिट होता है। यानी करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है करंट का, पॉजिटिव टू निगेटिव है। और इलेक्ट्रॉन का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है। तो दिस इज द प्रोसेस इन विच द करंट फ्लो थ्रू अ वायर। एक किसी वायर में करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है, यह हमने यहां पे देख लिया।
ठीक है। अगला जो हमारा एक पॉइंट है, जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं, हमारा कुछ पॉइंट जो है जल्दी से कवर अप हो जाएगा। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है भाई, लोअर क्लासेस में बड़ा पढ़ा होगा आपने बहुत सारी चीजें इसके बारे में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट अब कह रहा है, चलिए फटाफट डेफिनेशन चलते हैं। द क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज। कह रहा है वो एक बंद रास्ता जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे हमारे पास में एक बैटरी है और ये बैटरी को एक वायर की मदद से हम लोगों ने किसी के साथ में कनेक्ट किया, यहाँ पे एक की लगा दिया हम लोगों ने की इसको जोड़ने के लिए, और इसके साथ में हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। तो ये बल्ब लगा दिया, अब यहाँ पे जैसे ये की आपस में जुड़े होंगे, ये आपस में जुड़े हैं तो ये बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, यानी इसमें करंट की सप्लाई कहां से कहां हो रही है, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां से करंट की सप्लाई हो रही है। रास्ता बंद है यानी की बंद है, यानी स्विच ऑन की कंडीशन है। तो स्विच ऑन में अब करंट को फ्लो करने के लिए एक रास्ता मिल रहा है, एक पाथ मिल रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोज। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, यहां पे बात करते हैं सर्किट सिंबल के बारे में। सर्किट सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होते हैं ये सर्किट सिंबल्स, क्या होते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स को बना पाना सबके लिए संभव नहीं है कि सभी के सभी उन सारे कंपोनेंट्स को डायग्रामेटिकली तैयार कर सके। तो उन डायग्राम्स को बनाने के लिए, उन डायग्राम्स को शो करने के लिए हम लोग किसी तरीके के एक सिंबल का यूज करते हैं और उस सिंबल से उन इलेक्ट्रिक सर्किट में मौजूद कंपोनेंट्स को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनको हम कह सकते हैं दीज आर द सिंबल्स दैट शो द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जो किसी सर्किट के अंदर में मौजूद चीजों को दिखाने का प्रयास करते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स या सर्किट सिंबल के नाम से जानते हैं। तो क्या कह सकते हैं इनको, दीज आर द सिंबल डिपिक्टेड टू द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। दीज आर द सिंबल डिपेक्टेड टू द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये ऐसे सिंबल्स हैं जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिपिक्ट करते हैं, उनको शो करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं सर्किट सिंबल। अब जैसे बहुत सारे सिंबल्स हैं बुक में, सबको नहीं बताता हूं, अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये है हमारे कनेक्टिंग वायर्स, ये क्या है कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये है कनेक्टिंग वायर्स। इसी में अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं, ये स्विच ऑफ की कंडीशन है, ये स्विच है और ये ऑफ है, अगर इसी में अगर ऐसे अगर जुड़ा हुआ है तो ये स्विच ऑन है, ये है बल्ब, ये बल्ब ऑफ है और ये बल्ब ऑन है तो ऑफ ऑन, ठीक है। इसी तरीके स्विचेस हो गए, वायर हो गए, ये है हमारा सेल,
अगर एक है ऐसे इस तरीके से बना हुआ है तो ये है सेल, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, अगर बड़ा लाइन है तो पॉजिटिव, छोटा लाइन है तो निगेटिव। बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स अगर होंगे तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं बैटरी। क्या कहते हैं इनको, बैटरी कहते हैं। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये है हमारे बैटरी, बैटरी है, ये है सेल, ठीक है। तो सेल एंड बैटरी। इसके अलावा एक और बता देता हूं आपको जल्दी से, अगर ये जुड़ा हुआ है इस तरीके से और इसमें भी लिखा है तो ये वोल्ट मीटर है, ऐसे जुड़ा हुआ है और इसमें ए लिखा हुआ है तो ये एमीटर है, ऐसे ही है इसमें जी लिखा हुआ है तो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर एमीटर का तो नाम सुना है, गैल्वेनोमीटर का नाम आपको मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में सुनने को मिलेगा। ये क्या होते हैं, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो किसी सर्किट में प्रोड्यूस होने वाले करंट को पहचानने का कोशिश करते हैं कि उस सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा ये इनको हम लोग कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, या रियोस्टेट भी कहते हैं इनको, ये रियोस्टेट्स हैं, ये हैं रियोस्टेट, या इनको हम लोग कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है प्रैक्टिकल जब आप करेंगे, ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन वाले जब आप करेंगे प्रैक्टिकल्स, तो उसमें इस वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट की जरूरत पड़ती है, ताकि हम लोग अलग अलग लेंथ पे जो है हमारा रेजिस्टेंस निकाल सके। तो ये सब कुछ सर्किट सिंबल्स हैं, आप भी कुछ देख लीजिएगा बुक्स में से और उनको तैयार कर लीजिएगा, सर्किट सिंबल्स क्या होते हैं। लास्ट आज का जो टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं वो है हमारा सर्किट डायग्राम, इसको आप लोग बना लीजिएगा देख लीजिएगा। लास्ट टॉपिक जल्दी से आज का ले लेते हैं हम लोग, और वो है हमारा सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, When an electric circuit represented by using circuit symbols is called circuit diagram, is called circuit diagram। अब देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर हम उसके सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सर्किट डायग्राम कहलाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा एक बैटरी है और इस बैटरी से हम लोगों ने एक वायर कनेक्ट किया, वायर के साथ में स्विचेस लगा दिए, ठीक है ना, की स्विचेस लगा दिए और इसके साथ में एक बल्ब हम लोगों ने जोड़ दिया था, ठीक है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये तो हमारा ओरिजिनल एक सर्किट है जिसमें बैटरी है, वायर्स हैं, बल्ब है, स्विचेस हैं, ये सब दिखाई दे रहे हैं हमें। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम लोग सिंबल्स की मदद से यूज करें तो बैटरी का सिंबल क्या है, ये जो है ये हमारे बैटरी के सिंबल्स हो गए। ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये क्या शो करती है, ये कनेक्टिंग वायर्स को शो करती है। बल्ब को शो करने के लिए ऐसा हम लोगों ने बना लिया, और स्विच ऑन है, बल्ब ग्लो कर रहा है तो स्विच ऑन की कंडीशन ऐसी है। तो ये हो गया हमारे स्विच, ये हो गया हमारे वायर्स, ये हो गया बल्ब, और बल्ब कैसा है, ग्लो कर रहा है, यानी स्विच ऑन है, स्विच ऑन की कंडीशन है। ये है हमारे बैटरी, बैटरी के टर्मिनल्स पॉजिटिव और निगेटिव, करंट फ्लो कर रहा है इसमें, और करंट फ्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इन सभी को हम लोगों ने इन सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, सर्किट सिंबल कहलाएगा। तो यही हमारे होते हैं सर्किट सिंबल्स। बहुत आसान आसान टॉपिक है। तो आज का जो हमारा ये पोर्शन था इलेक्ट्रिसिटी का, लगभग ये पोर्शन हमारा आज कंप्लीट हो रहा है। कल हम लोग जब आएंगे तो इसके ऊपर में बात करेंगे, हम लोग ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ को देखेंगे, उसमें जानेंगे थोड़ा सा। अब असली जो पढ़ाई है फिजिक्स का वो आपका स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं उसमें, तो उन सारे न्यूमेरिकल्स को भी देखने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग यहीं पे।
कोशिश करेंगे कि जितना भी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह जितने भी चीजें हैं उनको हम लोग करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल भी क्लियर रहे, कोई डाउट आपके मन में ना रहे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एस चंद के क्वेश्चन, जितने भी होंगे सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए करूंगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मेरे सब्सक्रिप्शन जिस तरीके से मेरे वीडियोस आ रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छा रिस्पांस था आप लोगों का, बहुत अच्छा सहयोग मिला, और बहुत कम समय में मैं 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर तक पहुंचा हूं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ऐसा सहयोग बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बनाइए, ताकि ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आपके साथ में यूट्यूब पे लाइव भी जुड़ पाऊंगा, मुझे मौका मिलेगा ऐसा जुड़ने का। तो मेरे लिए, अपने लिए, सबके लिए प्रयास करिए। टिल देन गुड बाय, बी सेफ एट योर होम।